पानीपत के समालखा में दो सगे भाइयों को बिजली कर्मचारियों की मदद करना इतना महंगा पड़ा कि दोनों भाइयों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जी हाँ, ये घटना समालखा के गांव छदिया की है, जहां दो भाइयों की मौत के बाद मातम छाया हुआ है। दरअसल दो दिन पहले गांव में ट्रांसफार्मर जल गया था, जिसके बाद बिजली निगम के कर्मचारियों ने ट्रांसफार्मर को खंभे से उतारकर नीचे रख दिया था। बताया जा रहा है कि बिजली कर्मचारी ट्रांसफार्मर को गाड़ी में लोड कर निकलने ही वाले थे, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी मिट्टी में धंस गई। गाड़ी मिट्टी में धंसने के बाद बिजली कर्मचारियों के पास ही खेत में काम कर रहे दीपक और अनिल को मदद के लिए बुलाया, मगर इस दौरान जब दीपक और अनिल गाड़ी में धक्का लगा रहे थे, तभी गाड़ी फिसल कर पीछे बिजली के पोल से टकरा गई और ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्टेज की तार टूटकर दीपक और अनिल पर गिर गई। ये हादसा इतना भयानक था कि दीपक और अनिल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका एक अन्य साथी भी बुरी तरह से झुलस गया है। जो ये ट्रांसफार्मर खराब था और उसकी 3-4 दिन पहले बिजली विभाग से सूचना दी गई थी, बिजली विभाग ने ये एक दिन पहले उतार दिया ट्रांसफार्मर और कल ये उसको लोड करने लग रहे थे। बिजली विभाग के कर्मचारी ये खेत में अपने में काम कर रहे थे, उनको हेल्प के लिए बुलाया 4 बंदों को और उससे ये हेल्प के लिए आए तो गाड़ी थी जिसमें ट्रांसफार्मर लोड हो रहा था वो लोहे का पोल था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भी लोहे का पोल नहीं रहना चाहिए कहीं भी पुराना, तो फिर भी लोहे का पोल था। इसके लिए बार बार वो भी कहा भी गया था महकमे से तो ये नहीं बदला, और उसमें करंट था तो 11 KV का था और इनको करंट लग गया, वो एट ए टाइम वहीं हो गए, पानीपत सिविल हॉस्पिटल में लाए थे, डेड हो गए, और जिसमें लापरवाही सिर्फ बिजली विभाग के और कर्मचारियों की। एक और घायल है? हाँ, एक घायल है जो रामनिवास है, वो कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट है। तो कार्रवाई की मांग करते हो विभाग की? हाँ, कार्रवाई की तो है। आपने शिकायत दी है ये कि लापरवाही? अभी करेंगे, अभी तो हमें अपने अपना वो करना है डेड बॉडी का रोल, मतलब कंप्लेन करेंगे शिकायत। हाँ हाँ। ये दोनों का नाम क्या था जी, और इनकी शादी थी क्या कुछ करते? एक दीपक है और एक अनिल है। दीपक की शादी नवंबर में हुई थी 2021 में, ठीक है, और ये अनमैरिड था। पीड़ित परिजन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बिजली निगम के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि उन्हें ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद तथ्यों के आधार पर जांच और कार्रवाई होगी, लेकिन फिलहाल शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। सूचना मिली थी करंट लगने से मौत हो गई है, जो आज वारसान मुलाकी हुए हैं, जिसकी कार्रवाई की जा रही है। हिसाब से कितने लोगों की मौत हुई? दो लोगों की मौत हुई। ये क्या कुछ कर रहे थे जी, कहाँ पर हो रहा था ये काम? ये खेत में करंट लगा इनको। कैसे सर, थोड़ा सा विस्तार से क्या कर रहे थे लोग, गाड़ी चला रहे थे क्या? ट्रांसफार्मर वगैरह कुछ वो कर रहे थे, वो तो उतार रखा था, बिजली के खंभे से करंट लग गया इनको। दोनों भाई हैं जी? दोनों सगे भाई। तो क्या कार्रवाई, कोई लापरवाही किसी के खिलाफ केस दर्ज? नहीं, इसमें किसी का कोई नहीं, इत्तफाकिया कार्रवाई। परिजनों ने कोई आरोप नहीं लगाया? नहीं, कोई आरोप। गांव में दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत के बाद हर तरफ सनसनी फैली हुई है, जबकि हादसे में झुलसे राम निवास और नरेंद्र की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। बता दें कि हादसे में मौत का शिकार हुए दीपक की शादी को अभी 9 महीने ही हुए थे, जबकि उनके छोटे भाई अनिल की शादी नहीं हुई थी। घटना के बाद पीड़ित परिवार में कोहराम मचा है। एक और परिजनों का कहना है कि वो बिजली कर्मचारियों के खिलाफ न्याय की गुहार लगाएंगे, मगर दूसरी ओर पुलिस शिकायत के इंतजार में बैठी है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।